हेलो जी, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम ड्राइव करके किर्गिस्तान के सोंगकुल लेक पहुंच गए थे। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे तियानशान माउंटेन्स के कुछ खूबसूरत नज़ारे और ले चलेंगे दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन लेक पे, इसिकुल लेक। दिस इज इट। काफ़ी ठंडा पानी है नदी का, तो हम हैं समवेयर बिटवीन सोंगकुल एंड नरीन। नरीन उस साइड है, तो हम जाएंगे नरीन। नरीन यहाँ से कुछ 70-80 किलोमीटर्स है, और नरीन में हम पता करेंगे वहाँ पे कोलसी लेक्स करके है, कोलुसू लेक्स ऐसे कुछ नाम है उनका। तो हम वहाँ पता करेंगे कि वहाँ का परमिट लगता है या नहीं, क्योंकि वो चाइना के बॉर्डर पर है। बाकी सही है, वेदर इज़ गुड। सुबह बहुत ठंडी, अभी सही है। अभी आई थिंक फ्रेश और होना है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। भाई ने रोकी तो ऐसे खुले में रोकी कि मतलब सबको दिख जाएगा, विच इज़ नॉट अ प्लेजेंट व्यू फॉर किर्गिज पीपल। इफ आई हैड अ कार, वी ड्राइव डाउन टू द ओशन, यू कॉल इट एल्मोर, एंड वी ले आउट इन द सैंड, एंड इफ द सन वाज शाइनिंग, आईड कवर यू इन लोशन। नारीन पहुंच के हमें पता चला कि सेम डे कोलसू लेक की परमिशन तो नहीं मिल पाएगी, तो हमने खोला गूगल मैप का सैटेलाइट व्यू और एक ऐसा रास्ता चुना जो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है और जहां पहले कुछ सैलानी फंस भी चुके हैं। वैसे तो हमारी डेस्टिनेशन इसिकुल लेक थी और अगर हम चाहते तो हाईवे पकड़ के वहां सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंच जाते, मगर भैया जब 7,000 रुपए पर डे पे 4x4 गाड़ी ली है तो हाईवे क्यों लेंगे। तो हम निकल गए खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक नए एडवेंचर को ढूंढने। हेलो, काफी लोगों को लिफ्ट देते हुए हम हेलो ये हम कराकोल जा रहे हैं किसी तो और रास्ते से जो किसी नेशनल पार्क के होते हुए जाता है। पता नहीं भाई रास्ता कैसा हो, मौसम भी खराब हो रहा है। एंट्री तो दी है बट कोई है नहीं। ओके, हाँ किसी ने रोका तो नहीं, अब देखते हैं रास्ता कैसा है, ज़्यादा क्रेजी रास्ता ना हो। बट हमारे पास 4WD है, रोहित शेट्टी वाली, जा रहे हैं पता नहीं कहाँ। Together we can and we will. काफी अजीब, maps.me बता रहा है रिवर के उस साइड से जाओ और गूगल मैप बता रहा है रिवर के इस साइड जाओ, और दोनों साइड ही रास्ते बहुत ही अजीब है। बट यहाँ से आप रास्ता देख लो, आई थिंक वहीं तक रोड है, वो यूट तक, उसके आगे रोड ही नहीं है। मतलब गूगल मैप के अकॉर्डिंगली वहां से रोड है ही नहीं, और maps.me के अकॉर्डिंगली रोड है बट वो रिकमेंड नहीं कर रहा है कि उधर से जाओ। मतलब आपको उस पहाड़ के ऊपर भी जाना है ना, तो कह रहा है कि पूरा घूम के आओ 200 किलोमीटर, इधर से मत जाओ। भाई रशियन में ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि भाई कैसे जाएं, व्हाट इज द बेस्ट वे। भाई आ गए हैं, देखते हैं क्या खबर लेके आए। ये वो बोल रहा है कि यहाँ सब बंद है, सब बंद है, ये जाएगा ना ये जाएगा। हाँ। बोल रहा है कि अगर आपको कराकोल जाना है, कराकोल जाना है तो इट विल बी ये इस दर हो गया क्या। हाँ तो अपडेट ये है, 7:15 बज रहा है, हमें पता चला कि जो maps.me वाला रास्ता है एज यूजुअल वो सही है, बट जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बेसिकली पहाड़ पार करने में 3 घंटे लगेंगे, तो हम पहुँचेंगे पहाड़ बहुत सकरा है 9:45। हाँ बहुत ही ज़्यादा नैरो है, और कह रहे कि बहुत खूबसूरत है कुर्सीवा, है ना। तो कुर्सीवा ऐसा भोजपुरी टर्म नहीं है कुर्सी का,
कुर्सीवा इज ब्यूटीफुल इन रशियन, और हमको तो ब्यूटीफुल रूट देखने आए ना रोड ट्रिप पे, तो हम यहाँ पे यूट में रुक जाते हैं। कह रहा है कि 1500 सोम पर हेड, 3000 फॉर टू पे, मतलब आई थिंक वो भी टूरिस्ट है, वो यहाँ का नहीं है, वो भी इतने दे रहा है, तो ठीक है। और एक दिन तो यूट में रुकना ही चाहिए अगर आप किर्गिस्तान आए हैं। वो देखिए घुड़सवारी करता हुआ, 3x जूम पर दिखा देंगे हम। वाह, हेलो, यस मी सेकंड टाइम, ओके मी फर्स्ट दिखाओ। सो वी हैव फ्रेश हॉर्स मिल्क, या फ्रेश फ्रॉम द माउंटेन्स, यस एंड देखते हैं। दिस इज एनीवे हेल्दी, डोंट अफ्रेड, इज इट टेस्टी, टेस्ट इट, टेस्ट अ बिट लाइक कार्डबोर्ड। You should travel. At least, well, have one sip, no? अरे ट्राई तो करो, कच्चा है यार। तो क्या हो गया? It's okay. पिया ही नहीं तुमने? पिया। Bottoms up. Bottoms up. This is so healthy. You don't understand. Yeah. I understand. Please don't understand. थोड़ा तो ये है घोड़े का दूध, थोड़ा तो छाछ जैसा है एंड बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आंटी भी बता रही हैं। आंटी वो उन्होंने दिल पे ले लिया कि तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है इसके कितने बेनिफिट्स हैं। तुम अभी समझ नहीं रहे हो, और ज़्यादा ले लिया। नहीं अरे क्या, मुझे नहीं पीना। छाछ जैसा, इट इज़ नॉट बैड, बट आई नो दैट इट इज़ हॉर्स मिल्क, नो? व्हेन इन किर्गिस्तान ट्राई घोड़े का दूध, घोड़ी का होगा ना, घोड़ी का दूध, घोड़े का और ना ही हो तो बेटर है। यूहू, ये है हमारी यूर्ट विद टू बेड्स। गुड मॉर्निंग, वेरी कंफर्टेबल एक्चुअली। पाचा मामा Hello ji, good morning. Welcome to which place is this? This Eknaren. 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 So we went to Naren. Now we are in Eknaren. So काफी interesting breakfast. Breakfast में यहाँ पे चाय पी जाती है. चाय actually यहाँ पे like दूध रखा हुआ है, चाय रखी हुई है और दूध और चाय मिला के प्याली में पीते जाते हैं as per need. उसके बाद हमारे पास दलिया है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये देसी घी। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे जो गाय का दूध है बहुत ही बढ़िया है और उसका एकदम प्योर देसी घी, एकदम इंडिया जैसे। एंड दिस इज नमक, सो दिस इज लाइक नमक इज सॉल्ट बट इट डजंट, इट्स नॉट सॉल्ट, इट्स शुगर। सो इन हिंदी नमक इज सॉल्ट, शुगर। So this looks like salt, but this is sugar, and its name is also namak. In Hindi, namak is salt. Namak. Okay. Hello, ji. Salamat Sizba. Good morning. और हम हैं कहीं पे तो सेंट्रल और ईस्ट किर्गिस्तान के बीच में, और बेस्ट पार्ट यहाँ पे है कि इस समय जस्ट स्टार्ट हो रहा है समर का सीजन, और जो ये घास है ये लोग कंसिडर करते हैं बहुत ही बढ़िया घास होती है। तो जितने भी घोड़ा गाय, मतलब पूरे देश में हमको एक ही चीज़ दिख रही है कि भाई काउज आर ग्रेजिंग, हॉर्सेज आर ग्रेजिंग, सब घास ही चल रहे हैं। और इस समय जो उनका घोड़े का और गाय का दूध निकलता है ना, वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो मतलब इतने दिनों बाद दूध मिला तो काफ़ी अच्छा लगा, और जो दलिया भी था, मतलब वो जो दूध था ना, वेरी गुड क्वालिटी, और उसी दूध का वो घी भी बनाते हैं, और घी तो मतलब फुल पावर, मतलब 2000 रुपये का आधा किलो बेच सकते हैं हम गुड़गांव में ऑर्गेनिक बोल के, बट इतना हाई क्वालिटी घी था ना, वाओ। और मेन चीज़ है यहाँ का किर्गिस्तान का नेशनल ड्रिंक है हॉर्स मिल्क, घोड़े का दूध, जो हमने कल ट्राई भी किया था। तो अभी जो घोड़ा दूध देता है ना, वो एकदम ही हाई क्वालिटी, एकदम टॉप नॉच होता है। और ये लोग कंसिडर करते हैं, मतलब अभी जैसे यहाँ पे एक फैमिली आई हुई है तो दिन में वो 5 बार घोड़े का दूध पीते हैं, उसे घोड़े का दूध पीने आए हैं। तो यहाँ के लोग थोड़ा कंसिडर करते हैं कि ऐसा दवाई वगैरह नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली जो प्रीवियस जनरेशन है। और घोड़े के दूध से ये लोग कंसिडर करते हैं कि इनकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी होती है, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बाय बाय बाय। सेम रास्ते से हम वापस जा रहे हैं, बस आज ड्राइवर चेंज हो गए हैं, बट आज शायद हम आगे तक पहुंचेंगे। खूबसूरत नजारे ही नजारे, वेरी वेरी ब्यूटीफुल किर्गिस्तान में।
द रोड लेस टेकन ऑलवेज, जैसा कि श्री श्री वांडडा ने कहा है, ऑलवेज टेक द रोड लेस ट्रेवल्ड, बिकॉज उसमें होते हैं गड्ढे. If I had a plane, we'd fly to Costa Rica, land atop a mountain, and look down on the world. And I'd learn to speak Spanish, we'd eat comida rica, and everything would vanish that we didn't want in our world. यहाँ की भेड़ भी निराली है. अपने क्या, गाड़ी से हॉर्न बजाओ, पीछे से गाड़ी आ रही हो तो साइड हो जाएंगी. यहाँ तो हट ही नहीं रही भाई. मैनुअली हटाना पड़ रहा है इसे जाके. हो हो हो, अरे बाद में पीना, बाद में पीना, इतनी बड़ी हो गई हो. चलो हटो. हमारे छोटे भाई बंबई में एड फिल्म बनाते हैं और ऑटोमोबाइल के शौकीन हैं, तो उनको स्प्लैश शॉट चाहिए. और हमारे पास नया फ़ोन है जिसमें जूम लेंस है, तो हम थोड़ा दूर जाके लेंगे स्प्लैश शॉट, देखते हैं कैसा आता है. Las Mañanitas, sweet Maria. भाई साहब, व्यूज तो एकदम ही माइंड ब्लोइंग है. तो अभी हमने क्या किया है, हमने maps.me खोला है. गूगल मैप्स पे तो यहाँ कुछ है ही नहीं, maps.me खोला है. तो ये जो रास्ता जा रहा था हमें इसी पे जाना था, बट हमें एक और पतली सी रोड दिख गई है जो एक्चुअली छोटा रास्ता पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें उस साइड ही जाना है पहाड़ों के. तो वो वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, हमें उस साइड से उधर जाना है. इधर से क्या है कि हम आगे जाएंगे थोड़ा, आई थिंक 1.5-2 घंटे के बाद हाईवे आ जाएगा. फिर हाईवे में हमें 3-4 घंटे चलाना पड़ेगा टू रीच दैट पॉइंट इन निसिकुल. तो यहाँ पे भले 3 घंटे लगे, बट रास्ता भी छोटा है और बहुत ही सुंदर होगा आई थिंक, क्योंकि बर्फ वाले पहाड़ तो उसी साइड दिख रहे हैं. I wouldn't blow my money on cocaine mariachi. We could do all that kind of stuff, and maybe I'd never worry that you weren't gonna love me, that I'd wake up and find you burned, cause I didn't have enough. Bhai sahab, views to ekdam lajawab hai, matlab crazy, mind blown. Charo taraf bahut hi sahi kaam kiya. ऑलवेज टेक द रोड लेस ट्रेवल्ड, काफ़ी क्लीशे है बट मतलब भाई साहब नज़ारे तो देखिए आप, क्रेजी एकदम. वो वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं उनके उधर जाना है हमें, उधर इसे कूल है. और यहाँ पे ये वल्चर्स फ्लाई कर रहे हैं काफ़ी बड़े. वाह क्रेजी. हमारे ऑटोमोबाइल डायरेक्टर नहीं हो गो. अरे मुर्गी मुर्गी भी हंस रहे, मुर्गी उड़ गई, मुर्गी ने एंटर की सी. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट This. Go. Excellent. Go and move. Hello. हमारी तो निकल जाएगी लग रहा है. हमारी तो निकल गई, इनकी नहीं निकली. ये चलो भैया, ट्रक तो निकल गया. अंकल जी का ट्रक फंसा हुआ था, काफ़ी आगे पीछे काफ़ी जद्दोजहद करते हुए ट्रक तो निकल गया. काफ़ी देर से खड़े थे वो. थोड़ा स्टूपिड था वो, स्किल्ड नहीं था.
मर्सिडीज का ट्रक लिया था, पता नहीं मर्सिडीज का लोगो लगाया हुआ है। हाँ, काफी देर से खड़े हुए थे और उनके पास फावड़ा वावड़ा भी था, बता नहीं रहे थे, पता नहीं क्या मैंने बोला, तब बोलता है नहीं, हमने बोला घर शिफ्ट कर रहे हो तो फावड़ा तो होगा एब्सोल्युटली, है ना, मुर्गी वुर्गी रखी हुई है, सबसे बढ़िया था मुर्गी था, उसने आगे लिए मुर्गी छोड़ गई, मैं भी हूँ मुझे मत भूलो। चलो हमारी जर्नी, एडवेंचरस जर्नी कंटिन्यू होती हुई, तो कह रहा आगे दो और ऐसे क्लोजर्स हैं, तो ये तो क्लियर नहीं होगा अभी, तो भाई तो कह रहा है कि रोड बंद है, आगे नहीं जा सकते, और रोड तो क्या ही है, एक ट्रैक है, बट इसीलिए शायद maps.me कह रहा था कि यहाँ से मत जाओ, उधर ही से जाओ, यही नहीं चाहिए था, मतलब बहुत दूर आ गए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं और बहुत ही रफ रास्ता है। क्या लगता है, ये वाली भी बंद है, उसके आगे और लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड्स हो गए हैं इतनी ज़्यादा है कि लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं, एक दिन में अटना नहीं है, टेंट वेंट लगा के सो रहे हैं जेसीबी वाले। क्या खा रहे हैं हम भाई, ब्रेड, नेशनल डिश यहाँ का, इंडियन नेशनल डिश ब्रेड, लहसुन की चटनी और आलू भुजिया, हमेशा आलू भुजिया लेके चले। वैसे तो मैप के हिसाब से हम इसिकुल लेक के बहुत ही करीब थे, मगर लैंडस्लाइड्स के चलते हमें वापस ऑफ रोड करते हुए 7 घंटे का डिटूर लेना पड़ा। अब शायद सुनने में तो ये कुछ लोगों को बेवकूफ़ी लगेगी, मगर नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि ऐसा लग रहा था प्रकृति की गोद में गाड़ी चला रहे हो। कभी कभी गलत रास्ते ही शायद सही रास्ता दिखा देते हैं। इसिकुल लेक भले ही हम 2 घंटे की जगह 2 दिन में पहुंचे, मगर वो 2 दिन शायद हम कभी भूलेंगे भी नहीं। हाँ तो सही है, मतलब इसीलिए तो आए, हमें कहीं पहुँचना थोड़ी था, जैसा कि मोदी जी ने कहा है, इट इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट इज अबाउट द जर्नी। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा है सबको, मित्रों लाइफ इज एंजॉय। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सलामत सिज़बा। तो कल हम इसिकुल आ गए थे, इसिकुल एक बहुत ही बड़ा लेक है किर्गिस्तान में और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, और यहाँ पे हम 2018 में भी आए थे, पिछली बार साउथ साइड आए थे, इस बार नॉर्थ साइड आए हैं। इस बार भी प्लान तो साउथ साइड आने का था, मगर हमने रास्ता भटक गए, फिर हम नॉर्थ साइड आ गए, तो यहाँ पे होटल्स तो बहुत सारे थे बट हमारे पास करेंसी नहीं थी, तो हमने सोचा एटीएम चले जाएंगे क्योंकि दिस इज़ अ बिजी एरिया, तो यहाँ पे एटीएम तो होंगे। अब हमारा जो पहला स्टॉप था वहाँ पे एटीएम नहीं था, तो हम वहाँ से 20 किलोमीटर आगे गए, वहाँ पे एक एटीएम था, तो वहाँ पे मैंने एटीएम डाला और स्क्रीन ब्लैंक हो गई, एकदम अंधेरा आ गया स्क्रीन पे। उसके बाद वापस आया, डू यू वांट टू ट्राई इट अगेन, उसके बाद फिर अगला एटीएम था 30 किलोमीटर आगे चौलपनाटा में, जहाँ पे हम अभी हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे एटीएम हैं, मतलब 20-30 एटीएम है, और हम सारे एटीएम गए और कहीं पे भी हमारा कार्ड नहीं चला, कहीं कहीं जगह तो इंग्लिश में ही नहीं है, सारा रशियन में है, और कहीं कहीं जगह मतलब कुछ भी आ रहा है स्क्रीन में ना, रैंडम कुछ लिखा जा रहा है खराब इंग्लिश में वो भी। तो फाइनली एक एटीएम मिला, मेरा कार्ड तो वहाँ भी नहीं चला, इशू का एक कार्ड चल गया, उसमें भी उसमें लिमिट थी 3000 रुपये की, 3000 भी नहीं 2800 रुपये की, मैं क्या हद ही होगी, मतलब 3500 का तो हमारा होटल ही था। बट अगर आप किर्गिस्तान आ रहे हो तो थोड़ा सा आई थिंक कैश कैरी करके आओ, या फिर इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड बिश्केक से एटीएम विड्रॉल कर लो अच्छा खासा, क्योंकि बाकी जगह एकदम ही रिमोट है और पता नहीं आपका एटीएम चले कि नहीं चले। पानी तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, काफ़ी सुंदर, तो एकदम समुंदर के जैसा है, एंड वाओ द कलर ऑफ द वाटर इज अमेजिंग। वो आई थिंक मेन बीच है। हाँ तो यहाँ पे वैसा सीन नहीं है, मतलब ऐसा शैक शुक वाला, मुझे लगा थोड़ा तो होगा, कुछ शैक वैक होंगी। रैंडम रास्ता बीच पे जाने के लिए, बोटनी बीच जा रहे हैं हम, बोटनी बीच की लोकेशन तो नहीं मिल रही गूगल मैप पे, बट हम एक गाड़ी को तो फॉलो कर रहे हैं, हमको लगता है कि वो गाड़ी को पता है कहाँ जाना है। आई थिंक हम बीच पे निकलने वाले हैं। अरे वाह, बढ़िया गाड़ी फॉलो कर ली हमने, और एकदम होटल के बगल में, आई थिंक ये होटल की फेंस है के बगल में, भाई बीच पे ले आया है भाई साहब, वेरी गुड। अंकल जी खुश हो रहे थे, अंकल जी देख रहे थे हम पीछे पीछे आ रहे हैं।
हमने फॉलो करते हुए आ गए, खुश हो गए होगी। अरे वाह, समवेयर सही है। आई थिंक उधर रिजॉर्ट है, इधर बीच है। अंकल सुपरमैन बन के आ रहे हैं। अंकल घर से यही पहन के आए थे, इंटरेस्टिंग चीज है, अंकल घर से यही पहन के आए थे। तो बेसिकली वो पहाड़ है, उसके उस साइड कजाकिस्तान है, और फिर ये लेक है अपना इसीकुल लेक। ये हमारे भाई हैं, और बेस्ट पार्ट है मतलब पानी देखो एकदम ही ट्रांसपेरेंट। और वो जो पीछे बादल देख रहे हैं ना, वो सिर्फ बादल नहीं है, अभी हम जूम करके दिखाते हैं। वो देखिए बीच बीच में दिख रहे होंगे बर्फ के पहाड़ है, क्रेजी। कितने ज़्यादा ऊंचे हैं भाई वो। कल जो हमने बहुत ही रैंडम रास्ता ले लिया था, क्रेजी सा रास्ता ले लिया था, वो एक्चुअली उन्हीं पहाड़ों में से, नॉट ऊपर तो नहीं जाता, बट वो जो एक पास था ना जहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई थी, वो वहीं से कहीं आता और एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड। ये अभी हम नॉर्थ साइड पे है लेक के, तो जो साउथ साइड है वहाँ पे एक टाउन है काजी से, उसके पास निकलता, तो बहुत ही सुंदर रास्ता तो होता वो। मतलब भाई लुक एट दोज माउंटेन्स, क्रेजी। ठंडा है तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम माउंटेन लेक। हाँ तो लेक किसिकुल का ये सीन है, लेक किसिकुल इज द सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन लेक इन द वर्ल्ड, और द लार्जेस्ट माउंटेन लेक इज लेक टिटिकाका, जो पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे थे, जहाँ पे हमने 3 दिन गुजारे, और वहाँ पे एक आइलैंड भी था बहुत ही बढ़िया, इला दिल सोल, जो आपने शायद रील में देखा होगा। और इसके अलावा ये सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट लेक भी है आफ्टर कैस्पियन सी। कैस्पियन सी सी नहीं है, आई थिंक कैस्पियन सी इज ऑल्सो अ लेक। थोड़ा सा डायमेंशन बता दें तो 180 किलोमीटर लंबा है, विच इज़ लाइक क्रेजी 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 लंबा, और ये 270 मीटर डीप है, विच इज़ क्रेजी क्रेजी गहरा। तो हाँ मतलब लेक तो काफ़ी क्रेजी है। और यहाँ पे ना व्हाट आई रियलाइज इज अ लॉट ऑफ रशियंस कम, और मोस्टली आई थिंक पिछली जनरेशन वाले रशियंस आते हैं चिल करने, क्योंकि रशिया तो और भी ठंडा होता है। और इसिकुल का लिटरल ट्रांसलेशन होता है वार्म वाटर, ऑल्दो पानी थोड़ा तो ठंडा है, वार्म तो नहीं है। इसिकुल लेक से वापस बिश्केक आके हमने अपने छोटे भाई को किया बाय बाय, और वक्त आ गया था अपनी 8000 किलोमीटर की सोलो मोटरसाइकिल ट्रिप शुरू करने का, जिसमें हम कवर करेंगे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और मंगोलिया। असली एडवेंचर तो शायद अब शुरू होना था। लाइफ इज एंजॉय। हाउ टू लैंड द ड्रोन विदाउट गेटिंग आउट ऑफ द मोटरबाइक। फेवरेट हॉबी अरे भाई जी बैटरी ज्यादा होती है ना तो ये मिसबिहेव करता है।